हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्क्वायर रूट ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन को देखिए। सपोज इंटीजर्स ए एंड बी आर सच दैट दिस इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ओके, रूट है, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में है। ओके, देखो साइन 50 डिग्री दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा, उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेक 50 डिग्री। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना जरूरी है। आप ऐसे समझो ना, रूट फोर आप लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 स्क्वायर होता है, जिसको आप आंसर क्या देते हो, 2 देते हो। तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब वही करने के लिए पूरा प्रोसेस होने वाला है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, चूंकि दिस इक्वल टू दिस दे रखा है और हमें ए माइनस बी निकालना है, तो ए और बी निकालना है ना, तो ये काम करते हैं, पहले इन दोनों को साथ लेके कुछ स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो मैं आई लिखता हूँ दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, चूंकि यहाँ पे साइन 50 डिग्री है, यहाँ पे कोसेक 50 डिग्री है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं साइन 50 डिग्री ही लिख लूँ। ओके, इसके बाद मैं इसको एलसीएम लेकर ए साइन 50 डिग्री प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन 50 डिग्री, डिनोमिनेटर में 8 दिख गया। ए का मोर करता हूँ, ए वाला पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 9 - 8 साइन 50 डिग्री इज इनटू, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन 50 डिग्री विच इज इक्वल टू ए साइन 50 डिग्री प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अच्छा, एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये जो साइन 50 है, ये जो साइन 50 है, इसको रूट के अंदर ही लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 - 8 और यहाँ पे लिखूंगा साइन 50 डिग्री दिस, चूंकि ये रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 और यहाँ पे बनेगा दिस विच इज इक्वल टू ए साइन 50 डिग्री एंड देन प्लस कितना हो जाएगा बी, राइट। इसके बाद देखिए मैं लिखने वाला हूँ 9 एंड देन साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 8 और यहाँ पे लिख लूँगा साइन क्यूब 50 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा रूट विच इज इक्वल टू ए साइन 50 डिग्री प्लस बी। देखो ये एक, इसको आप, मैं मतलब ऐसे मार्क कर दिया, मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ तक लेकर आया। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है जो कि आपको इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं 1, राइट। आप देखिए नाउ, अब आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, 9 एंड देन साइन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस 8 और साइन क्यूब कितना लिखा हुआ है 50 डिग्री ए 50, राइट, और यहां पे डाल दिया रूट। देखो मैंने बोला या तो यहीं पर या फिर इन दोनों को साथ लेकर मैं पहुंचा यहां तक, रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है उसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना ही पड़ेगा, तभी रूट हटेगा। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये 9 साइन स्क्वायर 50 को क्या हम लोग 3 साइन 50 डिग्री और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर क्या कर रहा है, तो 8 साइन क्यूब 50 डिग्री क्रिएट कर रहा है, राइट, ठीक ना, ये कर रहा है। अब रूट के अंदर कुछ प्लस कुछ माइनस करें, चूंकि रूट के अंदर वैल्यू गिवन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्यों ना कुछ आइडेंटिटी सोचा जाए। ये देखो साइन क्यूब 50 एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, उसमें ये दिखता है, वो कौन सा आइडेंटिटी होता है, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, राइट, ये होता है ना, ठीक है, ये आपका होता है। आपके पास थीटा कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 3 × 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 3 sin 50 डिग्री माइनस 4 sin³ कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा, अब विच इज इक्वल टू में, चलो ऐसे कर लेता हूँ, ये साइन 150 है क्या, ये जो वैल्यू गिवन है ये कितना 150 है, यानी कि साइन 150 इक्वल टू ए पूरा एक्सप्रेशन, और साइन 150 के वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 180 माइनस 30 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, विच इज इक्वल टू 3 sin 50 डिग्री माइनस 4 sin³ 50 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ये हो जाएगा 6 sin 50 डिग्री माइनस कितना 8 sin³ 50 डिग्री। डायरेक्ट आपका 8 sin³ का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 sin³ 50 इक्वल टू 6 sin 50 डिग्री माइनस 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ जाओ, ये लिखा हुआ है 3 sin 50 होल स्क्वायर जो पहला था, करेक्ट, माइनस 8 sin³ माइनस कितना लिखोगे
सिक्स साइन 50 माइनस 1, तो एक काम करता हूँ थोड़ा सा अगला स्टेप में, 3 साइन 50 होल स्क्वायर माइनस 6 है ना, इसको लिखो 2 इन 2 3, ये साफ दिख रहा है, और प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, 3 साइन 50 माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट देखो स्क्वायर फॉर्म में ला दिया ना, उसके लिए एक आइडेंटिटी साइन 3 थीटा वाला लग गया, यानी कि ये लिखा हुआ है 3 साइन 50 माइनस 1, ठीक है, 3 साइन 50 माइनस 1, और 3 साइन 50 माइनस 1, और यहाँ पे क्या था, विच इज इक्वल टू ए साइन 50 प्लस बी, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू ए साइन 50 प्लस बी फ्रॉम 1, कंपेयर कर लो, ए का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ए का वैल्यू कितना आ गया 3, बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1, हो गया आंसर आ गया ए 3 बी माइनस सॉरी ए 3 और बी माइनस 1, आंसर कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।